श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम खुद से ज्यादा औरों के ऊपर अपनी निर्भरता बढ़ाते हैं तो अपने आप कमजोर होते चले जाते हैं। जब हम अपने से सुखी इंसान को देखते हैं और ये सोचते हैं कि काश मैं भी इसकी तरह ही सुखी होता, तो हम बेहद कमजोर होने लगते हैं। जब हम किसी भी हालात, जो खासकर हमारे नियंत्रण में है ही नहीं, पर गुस्सा और चिंता करने लगते हैं तो और भी अधिक कमजोर होने लगते हैं। जब हम हर जगह किसी भी तरह से जीतना ही चाहते हैं, फिर चाहे हम गलत ही क्यों ना हो, तो वास्तविक रूप से हम ज़्यादा कमजोर होने लगते हैं। क्या कारण है? बुरी आदतें बहुत ही जल्दी हम पर हावी हो जाती है, जबकि अच्छी आदतों का पालन करने में हमें लंबा समय लग जाता है। ये समझने के लिए आपको जानना होगा कि हमारा मन चीज़ों को दो तरीकों से वर्गीकृत करता है, तकलीफ और आनंद। मन तकलीफ या कहें दुख से भागता है और आनंद यानी सुख के प्रति आसक्त रहता है। बुरी आदतें शुरू में आनंद अवश्य देती है, जैसे शराब पीना आदि, परंतु लंबे समय तक नहीं। अब मन ये जानता भी है, परंतु ये हमेशा तत्काल सुख की ओर भागता है। अच्छी आदतों को मन तकलीफ से जोड़ देता है, जैसे कि सुबह की सैर। मन कहता है सुबह जल्दी उठना बहुत तकलीफ है और कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ लेता है। इस तकलीफ से बचने के लिए ये एकमात्र सोच है। अच्छी आदतों में सख्त नियम होते हैं, पर मन चंचल रहता है। लेकिन जब धीरे धीरे अपने कर्म पर चलते रहेंगे और उस अच्छी आदत को आनंद से जोड़कर देखेंगे, तो वो अच्छी आदत आपको शीघ्र पड़ जाएगी। बुरी आदतें इसलिए हावी हो जाती है क्योंकि मन उसे आनंद के साथ जोड़कर देखता है, और अच्छी आदतों में लंबे समय लग जाते हैं क्योंकि मन इसे कष्ट से जोड़कर देखता है। नीचे गिरने में कोई ताकत नहीं लगती है। उसी तरह बुरी आदत में मन को उतना समझाना नहीं पड़ता है और अच्छी आदत बनाने के लिए मेहनत लगती है। दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति से ही अच्छी आदतें बनती हैं। अच्छी आदत लगती नहीं, बनानी पड़ती है, और बुरी आदत बनानी नहीं पड़ती, लग जाती है। कोई भी नशा करने वाला व्यक्ति खुद से नशा नहीं करता है, वह सगे संबंधी की बातों में आकर ही वह नशा करना सीखता है। नशा करने वाले साथी इसलिए ही बनाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन जब साथियों के साथ करते हैं तो उन्हें गलत करने जैसी बात महसूस नहीं होती। इसलिए यह आप पर निर्भर करती है कि आप अच्छे संगत में रहना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि गिरने में या लुढ़कने में ताकत नहीं लगानी पड़ती, पर ऊपर उठने में या चढ़ने में ताकत लगती है। आपकी आदतें आपका व्यवहार बनाती है और आपका व्यवहार आपका चरित्र। इसलिए जैसी आदतें होंगी वैसे ही आप होते जाएंगे। इंसान अपने आदतों का गुलाम होता है। व्यक्ति का आदत ही उसे अच्छा या खराब बनाता है। इसलिए अगर बुरी आदतें वक्त पर ना बदली जाए तो वो आदतें आपका वक्त बदल देती है, पर जो व्यक्ति अपनी बुरी आदतें बदल लेता है वो अवश्य अपने कल को भी बदल लेगा, और जिसने अपनी आदतें नहीं बदली तो उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। किसी भी चीज़ का तब तक कोई मतलब नहीं होता जब तक आप उसे कोई अर्थ नहीं देते। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि कोई चीज़ गलत है या बुरी है, वह लोगों का नज़रिया होता है उस काम के प्रति जिसे लोग गलत समझते हैं। ठीक उसी प्रकार आपको जो आदतें बुरी लगती हैं और वह आपके विकास को बाधित कर रही है, आप उस आदत को छोड़ सकते हैं। मनुष्य की आदतें ही उसका अच्छा और बुरा बनाती हैं। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी आदतों के कारण ही जानी जाती है। व्यक्ति किसी बात को छुपाने के लिए ना जाने कितने झूठ बोलते हैं। व्यक्ति की झूठ बोलने की आदत इंसान को संकट के घेरे में डाल देती है, और आलस्य भी मनुष्य का एक बहुत ही बड़ा शत्रु है। मनुष्य की बुरी आदत मनुष्य को ऊपर उठने नहीं देती, जिसके कारण किसी भी इंसान को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आपको अपनी जिंदगी में सफलता पानी है और कुछ कर दिखाने की ताकत है तो इन बातों को आप अवश्य ध्यान में रखिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वार्थी बनिए, परोपकार शब्द पुराणों में ही अच्छे लगते हैं। पहली प्राथमिकता माता पिता को दीजिए, बाकी दुनिया छल है। रिश्तेदारी में तीसरे व्यक्ति से अपनी समस्या का सुझाव लेना बंद कीजिए। आपके दुखी होने से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। हंसते रहिए, हर किसी को खुश नहीं रखा जा सकता। भगवान बनने का प्रयास मत कीजिए, मेहनत कीजिए। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है। आप जो भी लक्ष्य चुनते हैं उसके प्रति दृढ़ रहें। हर किसी के जीवन में अपने लक्ष्य होते हैं। जब वो इसे प्राप्त करते हैं तो वो पूर्ण महसूस करते हैं। इस दुनिया में हर कोई जो सफल है अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर चुका है। उनके पास अपने लक्ष्यों के लिए दृढ़ संकल्प और समर्पण था।
आपके पास अपने लक्ष्यों के लिए भी यही होना चाहिए। कुछ योग्य लक्ष्य चुने, कुछ योग्य लक्ष्य रखे, बेकार की बातों से विचलित ना होए। आज की प्रेरक कहानी इस सीख पर आधारित है कि जीवन में संगति का असर बहुत ही ज्यादा होता है। ऐसे में हर किसी को अपनी संगति सोच समझकर चुननी चाहिए। एक बार एक राजा शिकार पर निकले, उनके साथ उनका काफिला भी मौजूद था। शिकार को ढूंढते हुए राजा और उसका काफिला जंगल से गुजर रहा था, लेकिन उन्हें दूर दूर तक कोई शिकार नजर नहीं आ रहा था। राजा अपने काफिले के साथ धीरे धीरे जंगल के अंदर प्रवेश कर रहा था। जैसे ही वो कुछ और अंदर गया, उन्हें एक छिपने की जगह दिखाई दी, लेकिन वो जगह डाकुओं के छिपने की थी। जब वो उस गुफा के पास पहुंचे तो एक तोता बोला, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है जिसके पास बहुत ही सारा सामान है, जल्दी आओ और लूट लो सब। तोते की आवाज सुनकर डाकुओं ने राजा की तरफ भागना शुरू किया। जैसे ही राजा और इसके अपनी तरफ आते देखा तो वो भाग खड़े हुए। भागते भागते वो कोसों दूर निकल गए। काफी दूर आने के बाद उन्हें एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। वो सभी उस पेड़ के पास चले गए। जब वो सभी पेड़ के पास पहुंचे तो वहां एक तोता बैठा था। वो तोता बोला, आओ राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटी में आपका स्वागत है, आइए पानी पीजिए और आराम कर लीजिए। इस तोते की यह बात सुनकर राजा बेहद हैरान हो गया। उसने सोचा कि एक ही जाति के दो प्राणियों का व्यवहार इतना अलग कैसे। राजा बेहद ही असमंजस में पड़ गया। उसने तोते की बात सुनी और अंदर कुटिया में चला गया। वहां बैठे साधु महात्मा को प्रणाम करके उन्होंने पूरी बात बताई। उन्होंने पूछा, ऋषिवर, इन दोनों तोतों के व्यवहार में आखिर इतना अंतर क्यों है। साधु ने पूरी बात सुनी और राजा से कहा, यह कुछ नहीं राजन, बस संगति का असर है। जो तोता डाकुओं के साथ रहता है उसकी भाषा और व्यवहार भी डाकुओं जैसा हो गया, वहीं जो तोता यहाँ रहता है उसका व्यवहार आदरणीय है, अर्थात जो जिस वातावरण में रहता है वो वैसा ही बन जाता है। ऐसे में व्यक्ति को हमेशा ही अपनी संगति को सोच समझ कर चुनना चाहिए।